नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से स्वागत है आपका हिंदी के इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 8 में, जहां पर हम लोग खेल रहे हैं कौन बनेगा संविदा शिक्षक पिनेकल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग रोज जुड़ते हैं और प्रश्न पूछते हैं करीबन करीबन 20, जो आप लोगों के लिए बहुत होते हैं महत्वपूर्ण। हमने पिछले एक वीक से, या यूं कहें कि इस सोमवार से, प्रश्नों की संख्या बढ़ा के 20 कर दी है और 20 प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं। इसमें कुछ सामान्य होते हैं, कुछ आसान होते हैं, कुछ कठिन प्रश्न होते हैं। मतलब जब हम लोगों से गलत हो जाए तो उससे हमको सीखने को मिलता है। इस बात को अगर आप आपके दिमाग में रखेंगे तो आपके लिए ये और ज्यादा महत्वपूर्ण लगेगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा आपको इस शो के अंदर। चलिए बिना देरी किए प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आज का हिंदी सब्जेक्ट का शुरू होता है, ये लीजिए। भानुदय में कौन सी संधि है? देखिए, आपको बताना क्या है, संधि बतानी है, अयादि है, गुण, दीर्घ या वृद्धि स्वर संधि। समय शुरू हो गया है 15 सेकंड का, 15 सेकंड का समय है आपके पास। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। जी बिल्कुल, जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं फटाफट से उत्तर दें। समय पूरा हुआ भाई, समय अगर पूरा हो गया है 1 मिनट का तो देखना होगा इसका सही उत्तर क्या है। जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद सर, जय हिंद, वेरी गुड सर, आप सब लोग मेरे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो फटाफट से उत्तर करना शुरू करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए लिंक को, ताकि सभी लोग देख सकें इसको और सभी लोग इसका सही सही उत्तर दे सकें। चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर है मेरे दोस्त सी, भानु, धन, उदय बराबर भानुदय। यहां पर बड़े उ की मात्रा दिख रही है, मतलब कि दीर्घ स्वर संधि है। बिल्कुल सही उत्तर जितने लोगों ने बोला, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 2 बोलता है स्वच्छ में कौन सी संधि है। यहां पर आपके सामने वही फिर से 4 ऑप्शन, दीर्घ, वृद्धि, गुण या यण, और समय शुरू होता है अब। समय का ध्यान रखिए, 15 सेकंड अपने आप में बहुत बड़ा समय है। बहुत बढ़िया, 15 सेकंड कंप्लीट हुए, बिना कुछ देरी किए उत्तर देख लेते हैं। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि यण संधि। यहां पर यण संधि बन रही है, चेक करिए इसको, अच्छे से याद कर लीजिएगा। सु, धन, अच्छ बराबर स्वच्छ। सु का मतलब छोटे ऊ की मात्रा है, तो ऊ, धन, अ बराबर यहां पर स्व बना है, तो सुधन अच्छ बराबर स्वच्छ यहां पर बन रहा है और ये यण संधि है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ। राजर्षि, आसान प्रश्न, आसान प्रश्न आ गया। देखिए आसान प्रश्न है, राजर्षि के में कौन सी संधि है आपको बताना है, दीर्घ है, गुण है, यण है या वृद्धि संधि है। 15 सेकंड का समय मेरे ख्याल से तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि आसान प्रश्न जब आपके सामने आते हैं तो तुरंत उत्तर आने लग जाते हैं। चलिए समय पूरा हुआ, समय पूरा हुआ तो देख लें इसका सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि गुण संधि। यहां पर अर शब्द बन रहा है, रि अगर आता है, राज, धन, ऋषि, अधन, रि, ऋषि जब मिलते हैं तो अर बनता है, राजर्षि बना। बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ। पावन, पावन शब्द में कौन सी संधि है बताना है आपको, दीर्घ, यादि, वृद्धि या गुण। समय हो गया है शुरू, 15 सेकंड के अंदर आपको बताना है पावन शब्द में कौन सी संधि है। देखो मैंने ये तरीका भी बताया है, बीच बीच में मैं ट्रिक बताते रहता हूं कैसे आपको पता करना है, वह अपने आप में अकेला दिख रहा है। मतलब कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है, अयादि स्वर संधि यहां पर बनेगा, पौधन अन बराबर पावन यहां पर बन रहा है। ध्यान दीजिए इन सब चीजों पे, पौधन अन बराबर होता तो पवन होता, पावधन मतलब औ की मात्रा है, प पे फिर धन अन है तो बराबर पावन हो गया, और पावन मतलब क्या हो गया, अयादि स्वर संधि हो गया। बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया, जितने लोग सही उत्तर दे रहे हैं बहुत अच्छी बात। प्रश्न अगला 5वां आ गया है, शयन में सही संधि विच्छेद बताना है। ये लीजिए आपके सामने इसके ऑप्शंस, और समय यंत्र शुरू हो चुका है। समय आपके पास 15 सेकंड का, शयन शब्द में सही संधि विच्छेद आपको बताना है। शे धन अन, शय धन अन, शय धन न द, और श धन यन, क्या होना चाहिए इसका सही उत्तर।
समय पूरा हुआ, समय पूरा हुआ, 5 प्रश्न कंप्लीट कर लिए बहुत स्पीड से। आप लोग सब लोग बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहे हैं। देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। भाई देखो, शे धन अन बराबर शयन होता है। शय अगर होता तो शयन हो जाता, चीज को समझना। अगर एक मात्रा लगी है तो शयन हुआ, अगर दो मात्रा होती तो शायन हो जाता। ध्यान दीजिएगा इन चीजों पर, बहुत आसान तरीका है। जितने लोग सही उत्तर दे रहे हैं बहुत बहुत बढ़िया। कितने 5 में से सही उत्तर हुए जरूर लिखकर बताइए कमेंट बॉक्स में कि कितने सही उत्तर आपने दिए हैं 5 में से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 ये रहा, षडानन में कौन सी संधि है। आपको बताना क्या है, षडानन में कौन सी संधि है। ये रहे 4 ऑप्शन और समय यंत्र शुरू हो गया। 15 सेकंड आपको करना क्या है, 15 सेकंड के अंदर ऑप्शन भी पढ़ने हैं और फट से टिक कर देना है और आगे बढ़ जाना है। यही सही तरीका है किसी एग्जाम में अच्छे नंबर लाने का, क्योंकि समय और एक्यूरेसी दोनों के ऊपर हमको काम करना पड़ता है। चलिए, समय पूरा हो गया। समय पूरा हुआ मतलब उत्तर देख लें। उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि व्यंजन संधि। षट धन आनन बराबर षडानन, पहला वर्ण का तीसरा वर्ण बन जाता है, वही यहां पर हो रहा है। षट धन आनन बराबर षडानन, ये बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर कि षडानन जो शब्द है उस षडानन शब्द का पर्यायवाची कौन है, या यूं कहें कि किनको कहा जाता है षडानन, ये जरूर लिखकर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, निम्न में से किस शब्द में तत् उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। बताना क्या है, तत् उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है वो बताना है। ये लीजिए 4 ऑप्शन और साथ में समय यंत्र यानी कि 15 सेकंड की घड़ी शुरू हो गई है। समय पूरा हो गया, और समय पूरा हो गया मतलब सही उत्तर ये रहा आपके सामने। यहां पर ऑप्शन नंबर ए नहीं है भाई, देखो थोड़ा सा मैं ठीक कर दूं इसको। यहां पर ऑप्शन नंबर डी सही है। यहां पर तत् धन लीन बराबर तल्लीन हुआ है, तत् धन भव बराबर तद्भव हुआ है, तत् धन अंतर बराबर तदंतर हुआ है। यहां पर तिह धन, यहां पर तिरस्कार जो शब्द है वहां पे थोड़ी सी गड़बड़ है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर डी बता रहे थे वो सही था, थोड़ी सी गलती हो गई है टाइपिंग की। यार देखो छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं कई बार, थोड़ा सा इग्नोर करिए। आप मेरे साथ जुड़े रहिए प्लीज, आप लोगों का मुझे सहयोग मिलता रहेगा तो हम और अच्छी चीजें करते रहेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 8 ये रहा आपके सामने, अलबत्ता में शब्द में उपसर्ग बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने और समय यंत्र हो गया है शुरू। देखो 15 सेकंड का समय रहता है आपको, आपको बताना होता है कि इसमें से सही उत्तर क्या है। मतलब ये कि यहां पर एक हलंत का, चलिए समय पूरा हो गया देख लेते हैं इसका सही उत्तर। भाई हलंत का जरूर ध्यान दें, बी के अंदर हलंत लगा हुआ है और यहाँ हलंत की आवश्यकता नहीं है, मतलब कि सी जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है प्रश्न क्रमांक 8 का। जितने लोग जुड़े हुए हैं वो सभी लोग लाइक जरूर करें, अगर आपको पसंद आ रहा है ये वीडियो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और अगर आपको कुछ और भी सीखना है तो कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 ये कहता है कि पाठक में प्रत्यय क्या है। चलिए ये रहे 4 ऑप्शन और समय यंत्र हो गया शुरू। देखो थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा कठिन है ये प्रश्न। अगर आप पहुंच गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पहुंच पाए तो इसको हम कंप्लीट जरूर करेंगे। यक है, अक, ठक या क, आपको बताना है सही उत्तर। समय पूरा हो गया, समय पूरा हुआ तो आंसर देख लें। उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि अक, पाठ धन अक बराबर पाठक होता है। यहां से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर, प्रत्यय है अक। चल बहुत बढ़िया, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, आज का 10 प्रश्न कंप्लीट होने जा रहे हैं। कितने कितने नंबर आए हैं ये जरूर बताइएगा। निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, कौन सा शब्द है जिसके अंदर द्विगु समास है, बताना है आपको वो। समय शुरू हो गया है, आपको 15 सेकंड में बताना है। आजीवन, भूटान, सप्ताह या पुरुष सिंह, इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो कि द्विगु समास में आना चाहिए। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोग करीबन करीबन सही जा रहे हैं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि सप्ताह। सप्त धन आ बराबर सप्ताह, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कहीं ना कहीं 7 दिनों के समाहार, 7 दिनों की समूह की बात हो रही है, और ऐसे में हम लोग इसको द्विगु समास के अंदर रखते हैं। 10 प्रश्न कंप्लीट हुए, जरा फटाफट से लिखकर बताइए किसको कितने नंबर मिले। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 आपके सामने, कौन सा बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है।
बहुव्रीही समास बनाना है, चार ऑप्शन और साथ में समय यंत्र 15 सेकंड का। इनमें से कौन सा समास, कौन सा शब्द बहुव्रीही समास का उदाहरण है? निशिदिन, त्रिभुवन, पंचानन या रात, दिन रात? आपको बताना है सही उत्तर। समय हो गया है पूरा, 1 सेकंड। बिल्कुल, समय पूरा हो गया, और समय अगर पूरा हो जाए तो देख लेना चाहिए आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही। पंचानन यहाँ पर जो है शिव को कहा जाता है, तो यहाँ पर शिव के बारे में बात चल रही है, बहुव्रीहि समास बन रहा है। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 की तरफ देखते हैं। द्विगु समास का सही उदाहरण बताना है, द्विगु समास का सही उदाहरण आपको बताना है, चार ऑप्शन और समय शुरू हो गया है, अनन्य, दिन रात, सरपंच या त्रिभुवन। प्रश्न क्या है यह ध्यान से पढ़िए, द्विगु समास बताना है, अनन्य, दिन रात, सरपंच और त्रिभुवन में से क्या है सही उत्तर? समय पूरा हुआ, समय जैसे ही पूरा होता है समय आ जाता है सही उत्तर का। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है, त्रिभुवन। त्रिधन भुवन, तीन भुवनों का समूह यहाँ पर बात हो रही है, तो त्रिभुवन जो है वो बिल्कुल द्विगु समास होगा। बिल्कुल सही उत्तर है आप लोगों का। प्रश्न क्रमांक 13 आपके सामने, दूध का दूध और पानी का पानी, ऐसा मुहावरा आपने सुना होगा, इसका सही अर्थ क्या होगा ये बताइए। समय शुरू हो गया है 15 सेकंड का, दूध का दूध और पानी का अर्थ आपको बताना है, उल्टा काम, निष्पक्ष न्याय, इच्छा पूरी न होना या सफाई के साथ चोरी करना। समय पूरा हो गया, जितने लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे थे, कुछ लोग ऑप्शन नंबर सी की तरफ, तो कौन सा होना चाहिए इसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, निष्पक्ष न्याय कर देना, दूध का दूध कर देना और पानी का पानी कर देना, बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर बी लगाया, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, बहुत बढ़िया। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 आज का, नदी नाव का संयोग। देखिए ये इतना सा मुहावरा है, क्या है? नदी नाव का संयोग, इसका अर्थ आपको बताना है। चार ऑप्शन आपको दे दिए गए और 15 सेकंड की टिक टिक की जी शुरू हो गई है, तुरंत लगिए, तुरंत बताइए इसका उत्तर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। नदी नाव का संयोग, उल्टा काम, निष्पक्ष न्याय, इच्छा पूरी ना होना या दुर्लभ मिलाप। समय पूरा तो समय आ गया उत्तर का, ऑप्शन नंबर, ओहो गलती है यहाँ पर, यहाँ गलती है। देखो बहुत चीजों को मैं क्लियर करते हुए चलता हूँ, लेकिन फिर भी कई बार गलतियां हो जाती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं आपको इसका उत्तर मुंह से बता सकता हूँ। दुर्लभ मिलाप के लिए ऑप्शन नंबर डी लगता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। उल्टा काम नहीं, निष्पक्ष न्याय नहीं, पूरी इच्छा न होना बिल्कुल नहीं, दुर्लभ मिलाप, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, दुर्लभ मिलाप। भाई ऐसा सोचो कि नदी आपके पास में हो और आप उसको पार करना चाहते हो, तो आपको सबसे दुर्लभ चीज क्या मिलने वाली है जो सबसे ज्यादा आपको फायदेमंद हो जाए यहाँ पर, तो नाव है ना। तो नदी के साथ में नाव मिल जाना, ऐसा संयोग अगर बैठ जाए तो वो अपने आप क्या कहलाएगा? दुर्लभ मिलाप कहलाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 15 की तरफ, ठठेरे ठठेरे बदलावत, ठठेरे ठठेरे बदलावत का अर्थ बताना है, और चार ऑप्शन आपके सामने, साथ में समय घड़ी मतलब कि यंत्र शुरू हो गया है 15 सेकंड के लिए। फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए, सही उत्तर देने की पूरी कोशिश करिए, क्या होना चाहिए? समय पूरा हुआ, समय पूरा हुआ मतलब सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ठठेरे ठठेरे बदलावत, धूर्त से धूर्तता करना। भाई जो लोग पर जो लोग धूर्त हैं उन्हीं के साथ धूर्तता कर लें, इसको कहते हैं ठठेरे ठठेरे बदलावत, मतलब ठठेरे से ठठेरा बदल लिया, यही होता है भाई। ठठेरा का मतलब होता है जो बर्तन बनाता है, तो बर्तन वाला बर्तन वाले से चीजें बदल लेता है कि नहीं, तो यहां पर इस तरह से ये चीजें कनेक्ट होती हैं, धूर्त से धूर्तता करना। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 16 है, अक्ल का दुश्मन होना। अक्ल का दुश्मन होना मुहावरे का अर्थ क्या है? मित्र है, शत्रु है, महापंडित है या महामूर्ख है? समय हो गया है शुरू 15 सेकंड का, लेकिन इसके साथ में ये भी बताते जाइएगा 15 में से कितने सही हुए हैं। जल्दी बाजी में मैं पूछ नहीं पाया आपसे कि 15 में से आपने कितने सही किए, खैर कोई बात नहीं, अभी हम ये बताएं। अक्ल का दुश्मन होना मतलब मित्र, शत्रु, महापंडित या महामूर्ख। तो चलिए आप लोगों में सभी लोग सही उत्तर ही दे रहे हैं, महामूर्ख बोला जाता है अक्ल का दुश्मन। हम लोग कहते हैं ना, अक्ल के दुश्मन हो क्या तुम, है ऐसे काम करते हो, मतलब क्या है, तुम महामूर्ख हो क्या, है ना। तो चलो यहाँ पर ये कनेक्ट हो रहा है महामूर्ख से, आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। 16
16 प्रश्न कंप्लीट किए हैं, 16 में ही बता दो 16 में से कितने सही उत्तर आप लोगों ने अभी तक दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 17 की तरफ। अंगूठी का नग होना, अंगूठी का नग होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? छिपा हुआ, बहुत कीमती, बहुत चतुर या अत्यंत मूर्ख? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए इसका उत्तर? 15 सेकंड का समय शुरू हो गया है, जरा फटाफट से उत्तर करके बताइए क्या होना चाहिए इसका सही अर्थ। छिपा हुआ, बहुत कीमती, बहुत चतुर या अत्यंत मूर्ख? चलिए समय पूरा हो गया, समय अगर पूरा हो गया तो देख ले इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है बहुत कीमती होना। भाई किसी की अंगूठी का नग होना, नग मतलब होता तो पत्थर है, लेकिन अगर किसी की अंगूठी में लगा है मतलब वो जरूर क्या होगा, कीमती होगा, महंगा होगा, जो कीमत देकर खरीदा गया होगा, है ना। तो चलिए बहुत कीमती यहां पर सबसे सही उत्तर है। चलिए प्रश्न क्रमांक 18, बिना देरी किए साथ में चार ऑप्शन और समय यंत्र। अंधेरे नगरी मुहावरे का अर्थ आपको बताना है, जहां अंधेरा हो, राज्य विहीन जगह, अन्याय की जगह या पुण्य की जगह, आपको बताना है सही उत्तर। 15 सेकंड हो गए शुरू, जरा फटाफट से उत्तर करिए। देखिए चीजों को याद करने की कोशिश करिएगा, जो प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं इसी तरह के प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो तैयारी अपनी जोरदार रखिए। समय पूरा हुआ, समय पूरा हो गया है, समय पूरा हो गया तो देख लें सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि अन्याय की जगह, जहां पर अन्याय होता है ऐसी जगहों पर हम बोलते हैं अंधेर नगरी है, मतलब कि यहाँ पर किसी का ध्यान ही नहीं है, सब लोग गलत सलत कर रहे हैं, तो अंधेर नगरी यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है ना। चल बहुत बढ़िया, आप लोगों ने अंधेर नगरी चौपट राजा की कहानी सुनी होगी यार। अगर ये सेशन आपको पसंद आ रहा है, इस तरह के क्वेश्चन सीरीज आपको पसंद आ रही है, तो लाइक जरूर करिएगा इन वीडियोस को और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में, साथ में कमेंट आप लोगों के करते रहिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को हमारे, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना यार। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 19, ये रहा मन को आगा पीछा करना। अब मन को आगे पीछे कब करते हैं आप सोचिए, समय है आपके पास मात्र 15 सेकंड। चापलूसी करना, हिचकिचाना, उलट फेर करना या दुविधा में पड़ना, ऐसे में कहां पे आप कहते हैं मन का आग को आगा पीछा करना? समय पूरा हुआ, भाई समय अगर पूरा हो गया तो देखना होगा सही उत्तर। ये लीजिए सही उत्तर आपके सामने, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है, हिचकिचाना। जब आप हिचकिचाते हैं तो मन को आगे पीछे करते हैं, जाऊं नहीं जाऊं, करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, तो यह आगा पीछा करना ही तो है, तो मन को आगे पीछे करना मतलब हिचकिचाना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर, जितने लोग ऑप्शन नंबर बी बता रहे थे बहुत बढ़िया। आज का आखिरी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 20, अपकार का पर्यायवाची शब्द बताना है। बुराई, कृपा, व्यर्थ या दान? समय हो गया है शुरू, जरा फटाफट से उत्तर करिए। भाई अभी तक जितने लोगों ने इस वीडियो तो पहली बार देख रहे हैं वो इसको शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, इस तरह के प्रश्न वहां पर पूछे जाते हैं जो लोग आपके साथ तैयारी कर रहे हैं। चलिए समय पूरा हुआ, प्रश्न 20 आज का आखिरी प्रश्न और इसका समय भी पूरा हो गया। प्रश्न क्रमांक 20 का सही उत्तर देख लेते हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मतलब की बुराई करना। कृपा यहां पर नहीं होगा, व्यर्थ नहीं होगा, दान नहीं होगा, उपकार का विलोम शब्द है अपकार। जब आप उपकार करना मतलब किसी के ऊपर कृपा करना, अगर उपकार नहीं है तो अपकार है, और अपकार का मतलब है किसी के ऊपर किसी की बुराई करना या उसके ऊपर अकृपा रखना, ठीक है, दोनों सही है। तो यहां पर कृपा दिया दे रखा था, अकृपा दिया नहीं था, तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, बुराई लगाएंगे, तो बुराई जो है वो बिल्कुल सही उत्तर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा खेला आप लोगों ने, बहुत अच्छे से आंसर किए, जितने लोगों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है बहुत बहुत बधाई। आपके 20 में से कितने नंबर आए हैं जरूर बताइएगा, ताकि मुझे भी क्लियर हो सके कि आपको ये चीजें कितने अच्छे तरीके से तैयार हो रही हैं। चलिए आज की क्लास को यहीं पर करते हैं बंद, विराम लगाते हैं अपनी वाणी को, ताकि फिर से अगली क्लास के अंदर आपसे मिला जा सके, जो होगी पेडागॉजी की प्रश्न, ठीक 5 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।